ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे उसके, ट्रांसफॉर्म। ओके, यानी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को, यानी बॉक्स, अगर हम पहले बॉक्स बनाएंगे डू के अंदर, ओके, उसके अंदर उसको अगर आपको मूव कराना है, रोटेट करना है, या फिर आपको स्क्यू करना है, या फिर स्केल करना है, यानी जूम उसको करना है, तो हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डू लेता हूँ सबसे पहले, तो डू, और इसके अंदर और एक डू ले लूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे मिलूंगा क्लास कंटेनर सपोर्ट स्टार्ट। और इसके अंदर जो डिव है हमारा, उसको हम बनाएंगे बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे क्लास बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। ओके, ये अभी टेक्स्ट ही देख रहा है, तो हम इसको थोड़ा स्टाइल पहले दे देते हैं। तो पहले मैं कंटेनर दे देता हूँ, कंटेनर। ओके, ओके, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इस कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। ओके, जैसे कि मैं इसको हाइट दे देता हूँ, सपोज हाइट जो है 600 पिक्सल। ओके, उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड है, इसको फ्लेक्स बना देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो कंटेंट है उसको सेंटर में जस्टिफाई। देखो ये सेंटर में आ गया। उसके बाद लाइन आइटम्स, इसको सेंटर। ठीक है, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने दोनों सेंटर में ला लिया, इसको लेके आया। देन अभी हम इस बॉक्स को डिजाइन करते हैं, यानी उसको भी हम कुछ टाइप कवर करते हैं। तो बॉक्स में लिखूंगा यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे, इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, और उसके बाद उसको हाइट दे देता हूँ, हाइट सपोज 200 पिक्सल, और विड्थ जो है वो भी दे देता हूँ उसको 200 पिक्सल, हमें एक स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर इसका नेवी ब्लू हो। ठीक है, सो इसको, ठीक है, इसका जो टेक्स्ट है उसको भी हम सेंटर में दे देते हैं, और इसको फॉन्ट कलर भी उसको दे देते हैं, कलर व्हाइट होना चाहिए। फॉन्ट हम फॉर आईफोन साइज, ओके, साइज कोलन यहाँ पे मुझे इसको 30 पिक्सल इसका फॉन्ट हो, और दोनों को मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में ले लिया उसको। ठीक है, सेंटर आ गया, और
उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज इसको थोड़ा सा रेडियस दे देता हूँ, इस बॉक्सेस को इस कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर हाइफन रेडियस ओके। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 10 पिक्सल, ठीक है सेव, चेक करते हैं हम इसको ओके। यहाँ पे रेडियस आ गया ओके, तो यहाँ तक हमने इसको डिजाइन कर लिया ओके। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है ओके। कि जैसे मैं इसके ऊपर माउस को होवर करूँ ओके, तो ये सपोज थोड़ा रोटेट होना चाहिए ओके, ट्रांसफॉर्म करना है ना मुझे इसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज क्या है हमारा बॉक्स है ना, डॉट बॉक्स कोलन होवर, और हम देंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और ओके। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इसको मूव कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो ओके। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे रोटेट ओके। तो रोटेट हम इसको करेंगे, सपोज मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट हो 45 डिग्री ओके। डिग्री ये क्या हो रोटेट, देखो चेक करते हैं सेव रिफ्रेश, देखो हो रहा है क्या रोटेट ओके। तो इसी अभी ये जो हमने ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूज किया है ओके, तो इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी आप ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो इसको स्मूथली। अगर आपको दिखाना है ये जो रोटेट हो रहा है ये स्मूथली अगर आपको दिखाना है, तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे ट्रांजिशंस लिखो ओके, ट्रांजिशन ओके। और किस प्रॉपर्टी पे मुझे चाहिए, ट्रांजिशंस हाइफन प्रॉपर्टी ओके, किसके ऊपर चाहिए मुझे, तो सबके ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा ऑल ओके, ऑल कमांड में यहाँ पे दूंगा, मुझे सब पे चाहिए ओके। उसके बाद मुझे ड्यूरेशन यहाँ पे देना है कि कितना ड्यूरेशन हो, तो ट्रांजिशन कॉपी यहाँ पे मैं देता हूँ ड्यूरेशन ड्यूरेशन हम दे देते हैं सपोज 2 सेकंड्स ओके। उसके बाद इसका जो टाइमिंग फंक्शन है कैसा हो, इन आउट हम दे देंगे इसको भी कि स्लो स्टार्ट हो स्लो एंड हो, तो ट्रांजिशन टाइम हाइफन फंक्शन दो ठीक है सेव। अभी हम चेक करते हैं इसको कि कैसे दिख रहा है, रिफ्रेश किया देखो पहले कैसे हो रहा था एकदम से हो जा रहा था, अभी कैसे आपका रोटेट भी हो रहा है बट कैसे हो रहा है स्मूथली हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया ट्रांजिशन यूज किया है ठीक है। ये शायद ये ज्यादा हो रहा है 1 सेकंड ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिग्री, अगर आपको इसको देना है तो ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई इसको कॉपी करता हूँ ओके, कमेंट 1 मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। पहले एस्टीमेट कर दो, हुआ ऐसा ठीक है, देन कंटेनर हमारे सीएसएस का ले लो, पूरा सीएसएस दिख रहा है आप लिया लिया ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म की एक एक प्रॉपर्टी को देखेंगे ठीक है, एक एक जो वैल्यूज है उसकी उसको हम देखेंगे ओके। तो यहाँ पे मैंने रोटेट यूज किया था, तो आपका एक्सिस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, एक्स पर वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोटेट
मैं इसको कर देता हूँ एक्स, ओके रोटेट एक्स, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री, सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं 180 डिग्री हो रहा है क्या। देखो क्या हो रहा है, वर्टिकली रोटेट हो रहा है, यस ठीक है। वैसे अगर आपको हॉरिजेंटली करना है तो वाई एक्सिस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का वाई एक्सिस, रोटेट के लिए वाई एक्सिस से हम कर सकते इसको सेव। देन यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश, देखो वर्टिकली हो रहा था, अभी हॉरिजेंटली हो रहा है ना, यस ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोटेट का, ओके। उसके बाद अगर आपको इसको थोड़ा सा हॉरिजेंटल स्क्यू करना है, यानी थोड़ा सा तीरकस तीर का आपको दिखाना है इसको थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा टेढ़ा आपको इसको दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से ट्रांसफॉर्म लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्यू, और इसके अंदर हम दे देंगे कितने डिग्री आपको करना है। तो मुझे 20 डिग्री इनफ है, कितना ही आप करो। ये कैसे होगा आपका, हॉरिजेंटली होगा, देखो सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश, देखो हो रहा है क्या हॉरिजेंटली, थोड़ा सर। सा टेढ़ा। तो वैसे ही अभी हम इसको वर्टिकली करते हैं, ओके तो एक्स नहीं लगा था क्या मैंने, सिर्फ ठीक है डिफॉल्ट एक्स ही ले रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं वाई दे देता हूँ इसको, तो मुझे क्या करना है, वर्टिकली करना है, तो कॉपी, और यहाँ पे मैं दूंगा वाई, ठीक है, कैपिटल दे रहा हूँ मैं वाई को, एक्स और वाई कैपिटल दे रहा हूँ, सेव, रिफ्रेश, देखो। तो ऐसे आप ट्रांसफॉर्म इसको कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ये क्या हो स्केल, अगर आप इसको देना चाहते हो स्केल दे सकते हो, जूम करना है इस मीन्स आपको अगर इसको, तो यहाँ पे आप स्केल इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म हम करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्केल, ओके। तो कितना मुझे चाहिए, तो अभी जो करंट साइज है उससे दुगना मुझे चाहिए, इसलिए मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे दे दिया, ओके। क्या 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 किया मैंने यहाँ पे, 2 वैल्यू क्या करेगा, जो प्रेजेंट है ये जो करंट उसका साइज है उससे दुगने साइज से, यानी मैंने यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ क्या लिया है बॉक्स का, 200 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उससे दुगना हो जाएगा, हुआ क्या, यस तो ऐसे आप स्केल भी कर सकते हो इसको, ओके। देन अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो भी आप कर सकते हो, इसको कट करता हूं मैं, ओके। तो यहां पे मैं लूंगा सपोज, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा उसको ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, ओके। एक्स एक्सिस ट्रांसलेट करो एक्स एक्सिस से, यानी हॉरिजेंटली मूव करना है मुझे इसको, तो कितना मूव करना है मुझे इसको, तो सपोज मुझे चाहिए 150 पिक्सल, इतना ही करना है मूव, ठीक है सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो हो रहा है क्या, यस मूव हो रहा है उसके जगह से, तो मैंने जितना पिक्सल दिया है 150 पिक्सल उतना ही वो मूव हो रहा है हॉरिजेंटली। अब मुझे इसको वर्टिकली भी करना है, तो वहां पे मैं वाई दे दूंगा, यहाँ पे दूंगा मैं वाई, ठीक है, और इसको कमेंट कर देता हूँ मैं,
सेव। हो रहा है, मूव यस हो रहा है उसके करंट पोजीशन से। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं। ओके, तो ये आपका एक्स और वाई ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद इन दोनों को आप साथ साथ भी दे सकते हो। ओके, कॉपी, और यहाँ पे हम देंगे इन दोनों को साथ साथ। तो ट्रांसलेट में हम देंगे सपोज 250 पिक्सल एक्स एक्सिस के लिए और 250 पिक्सल वाई एक्सिस के लिए। दोनों को हम साथ साथ देंगे सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा मैं। देखो हो रहा है क्या? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इस्तेमाल की उसका। हेलो सर, हेलो, हेलो, हाँ बोलो। सर हेलो। अभी जो आपने किया है ना, अभी ट्रांसलेट एक्स किया है और लेफ्ट साइड मूव होता है, हाँ, राइट मुझे साइड उसके अपोजिट चाहिए तो तो माइनस दो ना यहाँ पे। ओके। हाँ ये तो हमने पहले ही देखा था ना, मैंने जब आपको आई थिंक शाडो के बारे में भी बताया था, तभी बोला था ना मैंने इसको माइनस यस वैल्यू दो यस अगर आपको उसको अलग डायरेक्शन से देना है। अभी यहाँ पे आपको डिग्री देना पड़ेगा, 360 में से ओके आपको कितना देना है, 360 तक का आप दे सकते हो डिग्री। ओके ओके ठीक और है अगर आपको अपोजिट साइड में चाहिए तो आप यहाँ पे माइनस वैल्यू दो। ओके चलिए। हो गया क्या इसका स्क्रीनशॉट लेके? ठीक यस है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टी, हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो इसको कमेंट करना पड़ेगा मुझे, तो एक काम करता हूँ यहां से कमेंट हटाता हूं मैं और डायरेक्टली ऊपर रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि कंटेनर हम इसी को हम एनिमेशन प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करेंगे। गुड, बेस्ट। ठीक है, सेव सेव किया इसको। ठीक ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से कंटेनर को कुछ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ बैकग्राउंड और फॉन्ट साइज। सपोज मैं इसको दे देता हूँ, तो कंटेनर जो है इसको कॉपी कर लिया मैंने। ओके, तो इसमें हाइट की जरूरत नहीं मुझे, तो बैकग्राउंड मैंने दे दिया सपोज इसको कुछ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज सेव। व्हाइट हो गया, उसका फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो कंटेनर के अंदर जो जो भी फॉन्ट है, जो भी टेक्स्ट है, उसका साइज हम बढ़ा देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको साइज दे देता हूँ 30 पिक्सल, 30 पिक्सल्स। ओके सेव। एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, ग्रीन येलो सेव। ठीक है, ओके, ये मेरा कंटेनर हो गया। अभी यहाँ पे मैं फिर से बॉक्स लिखूंगा। ओके, तो बॉक्स को मैं कुछ स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ फिर से कुछ, मीन्स हम इसको हाइट विड्थ दे देंगे और बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से होगा आई थिंक, तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको हाइट और विड्थ और
जो कलर है बैकग्राउंड कलर उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ सपोज, सेव, चेक करते हम लोग। ओके, एक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी ठीक है, इस बॉक्स को हमें क्या करना है, एनिमेशन प्रोवाइड करना है। ओके, यानी मुझे इसको क्या करना है, अभी फिर से मूव कराना है एनिमेशन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इसका पोजीशन जो है, पोजीशन वो मैं ले लूंगा रिलेटिव, रिलेटिव। ओके, बाहर क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रिलेटिव हमने लिया। देन इसको एनिमेशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इस एनिमेशन के लिए कुछ नाम देंगे, यानी इस बॉक्स को कुछ तो नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एनिमेशन। ओके, तो जब भी हम एनिमेशन इसको देते हैं, ओके एनिमेशन, तो उसके साथ हमें जो भी हमारा कलर है, बैकग्राउंड कलर है, हाइट विड्थ, इसके लिए हम क्या करते हैं कि की फ्रेम के अंदर उसको स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। ओके, की फ्रेम के अंदर हम उसको स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, वो कैसा होना चाहिए, कब, कहाँ से, कहीं कितने परसेंटेज पे, या फिर कहाँ से, टू और फ्रॉम, ये दो भी कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम परसेंटेज में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दोनों देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सपोज नेम, एनिमेशन नेम, और यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज बॉक्स, बॉक्स एनी। ओके, इसको नाम दिया मैंने एक बॉक्स एनिमेशन, ऐसे करके बॉक्स एनी मैंने इसको नाम दिया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम अभी मैं इस्तेमाल करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा एट द रेट की फ्रेम। ओके, और इसके सामने स्पेस देके ये जो नाम हमने दिया है यही नाम हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी हमें दो प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लूंगा फ्रॉम, ओके, और सेकंड लूंगा टू। ओके, ऐसे दो हमें लेने पड़ेंगे। फ्रॉम मीन्स कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और किसको, आपको जो भी आपको इसको अंदर प्रॉपर्टी देनी है आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ हाइट और बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाइट कितने, विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ ले लेता हूँ मैं सपोज 200 पिक्सल, और यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ 400 पिक्सल। फोर हंड्रेड पिक्सल सेव किया मैंने इसको, और हम चेक करते हैं इसको, की फ्रेम में कुछ हो नहीं रहा है। फ्रॉम टू, ड्यूरेशन देनी पड़ेगी मुझे इसको, एनिमेशन के लिए ड्यूरेशन चाहिए होती है। तो एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन, ओके, यानी कितने समय तक चले, तो ये 3 सेकंड तक चले, ठीक है। सेव, कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं हम, नहीं। तो इसके आगे हम और एक इटरेटर काउंटर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इटरेटर काउंटर यानी ये कितनी बार चले, तो एनिमेशन हाइफन इटरेशन हाइफन काउंट। ओके, तो कितनी बार चले, ये तो 5 बार चले। सेव किया ना इसको, रिफ्रेश, मूव क्यों नहीं हो रहा ये, एक मिनट, कहीं पे कुछ मिस्टेक है क्या, एनिमेशन की फ्रेम्स होता है ये, से ओके, ठीक
है, तो यहाँ पे मेरा स्पेलिंग में गलत था, ओके, मैंने यस नहीं लगाया था, की फ्रेम्स है वो, ओके। तो अभी देखो आपको दिख रहा है 3 सेकंड तक वो चल रहा है और 5 बार चलेगा, देखो 5 बार हो गया, देन रुक गया। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से ऑब्जर्व करो, 5 बार ही वो चलेगा। देखो पहला, देन दूसरा, ये तीसरी बार हुआ, चौथा, अरे पांचवी बार। ओके, पांचवी बार उसने क्या किया, उसका विड्थ को हमने बढ़ा दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप कलर चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे दे दो, बैकग्राउंड कलर को मैं दे देता हूँ सपोज H0F0, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ अलग सा कलर, बैकग्राउंड कोलन FA3, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, अभी चेक करते हैं हम लोग कि कैसे ये दिख रहा है, दिख रहा है अच्छा कलर भी उसका चेंज होते जा रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो विड्थ को हमने यहाँ पे 400 कर दिया था, तो इसी को हम, मैंने जैसे बोला क्या परसेंटेज वाइज भी इसको दिखा सकते हो, ओके। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ओके। तो नहीं तो इसको कॉपी करने की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ 0%, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। एक तो आप फ्रॉम और टू इस्तेमाल करो, या फिर आप परसेंटेज इस्तेमाल करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 0%, तो 0% पे क्या होना चाहिए, तो जो बॉक्स का मार्जिन है, मार्जिन ओके हाइफन लेफ्ट, और 0 हो, ओके 0 पिक्सल पे वो हो, ओके। अभी हम इसको मूव करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100% पे वो क्या हो, तो 100% पे वो क्या हो कि जो मार्जिन है वो 500 पिक्सल रहे, यानी वो 500 पिक्सल मूव हो जाए, ओके। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल, सेव। और अभी हम इसको चेक करते हैं, देखो हो रहा है क्या मूव, अच्छा 500 पिक्सल वो मूव हो रहा है अभी, क्योंकि मैंने मार्जिन लेफ्ट उसको कर दिया 0 से लेकर 500 तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो, यानी अगर आपको 10-10% पे कुछ एक्शंस देनी है आप दे सकते हो, अगर आप यहाँ पे कलर देना चाहते हो कुछ अलग अलग, कि हर बार कुछ अलग कलर भी रहे, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, तो वो भी आप दे सकते हो। एक काम कर लो, पहले इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्या, सर, ये तो यही है, HTML तो सेम ही है, ओके। बट हमने चेंजेस यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला ले लो की फ्रेम, ओके, फ्रॉम और टू था, उसके बाद हमने क्या चेंज किया, परसेंटेज हमने लिया है, लिया क्या इसका स्क्रीनशॉट, ठीक सर है। तो उसके बाद आप क्या करो, ये वाला लो, क्योंकि इसमें हमने परसेंटेज वाला लिया है। तो इसके अंदर मैं आपको और थोड़ा दिखाता हूँ, इसके अंदर सर लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि 25 हो, तब कुछ अलग सा उसमें रहे, ओके, थोड़ा सा अलग मूव हो जाए वो, देन 50% पे वो कुछ अलग मूवमेंट दिखाए, ठीक है, ओके। देन 75 पे कुछ अलग, ओके। ऐसे आप फ्रेम दे सकते हो यहाँ पे, ओके। आप 10-10 पे, यानी परसेंटेज पे आप कितने भी दे सकते हो, आपको जितना देना है आप दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं मार्जिन और यहाँ पे कलर सेम रखता हूँ, यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेता हूँ उसको,
मार्जिन कितना, 100, 200, 300, मार्जिन को एड्रेस करना पड़ेगा मुझे। कुछ तो मैं दे देता हूँ, वन से रुकना, और उस यहाँ पे रहेगा सपोज 400 दे देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, है ना, डिफॉल्ट कौन सा है हमारा, डार्क ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिम कलर हो जाए कॉपी, उसके बाद 50 पे वो क्या हो जाए, पर्पल हो जाए, देन यहाँ पे वो नेवी ब्लू कलर में दिखाई दे, और यहाँ पे वो आपको एक्वा कलर में दिखाई दे, ठीक है। तो बैकग्राउंड भी मैंने इसके साथ लगा दिया, अभी इसको हम टेस्ट करते हैं। सेव किया मैंने इसको, देखो कलर चेंज हो रहा है क्या परसेंटेज पे। ओके, तो ऐसे आप की फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में बहुत आसान रहता है, मोस्टली परसेंटेज का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ओके। या फिर अगर आपका दो ही है फ्रॉम ओ टू, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ओके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो परसेंटेज वाला, देन हम उसके और हेलो कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देखते हैं। सर, हाँ बोलिए, सर ये सेंटेंस को भी कर सकते हैं क्या? हम किसको? सेंटेंस कोई एक सेंटेंस हेडलाइन हेडलाइन वगैरह रहे तो? हेडलाइन को मूव करना है क्या? हाँ उसके लिए तो मार्क्यू है ना हमारे पास डायरेक्टली। मार्क, हाँ, और एक ऐसा भी कर सकते हो, आपकी H1 टैग ले लो, उसको आप ये अप्लाई कर दो, कर सकते हो ना, ओके ओके उसको ओके उसका क्लास लो और उसको अप्लाई कर दो, पैराग्राफ का टैग लो ओके उसको अप्लाई कर दो, ओके ओके ठीक है। ठीक है। बट खाली मुंह ही करना है तो मार्क्यू टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कलर वगैरह चेंजेस कुछ हाँ डिजाइन हाँ मीन्स कर सकते हो ना फिर, करना है तो? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने क्या किया था, ये देखो पांचवी बार चल रहा है, बट मुझे मैं चाहता हूँ कि ये इनफाइनाइट लुक चलता रहे, ओके। जब तक मेरा पेज सामने है, ये जो एनिमेशन है ये चलता ही रहे, ये रुकना नहीं चाहिए, ओके। ऐसा चलता ही रहे, अभी ये पांचवी बार हो रहा है ना, पांच बार होके वो छोड़ दे रहा है उसको। उसके पहला जो पोजिशंस था उसी पोजिशंस पे आके वो रुक रहा है, ओके। तो उसके पोजीशंस को भी हम होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको लास्ट पोजीशन चाहिए तो। पहले तो हम इनफाइनाइट यहाँ पे देंगे, ओके, जैसे हमने यहाँ पे काउंट दिया, ओके। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज मुझे कंटिन्यूस अगर मुझे चाहिए तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे इनफाइनाइट, ओके। तो इस केस में ये क्या करेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा ये आपका जो एनिमेशन है, तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, सर ये रुक रुक के चलता है, वो स्मूथ नहीं हो सकता है क्या? तो वो आपको इसीलिए वहां पे आपको टू फ्रॉम ये यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको ये परसेंटेज बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे ऐसे 5% स्मूथ भी दे सकते हो आप। हमने यहाँ पे ट्रांजिशन यूज नहीं किया ना, ट्रांजिशन यूज नहीं किया है ना यहाँ पे, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट लूप में अभी चल रहा है, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या दी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैं इसको फिर से वन फर्स्ट दे देता हूँ काउंट, इसको कमेंट कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ओके। मुझे कितनी बार कहाँ चलाना है उसको, खाली एक ही बार चलाना है, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इनफाइनाइट लूप मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ठीक है। तो अभी हमने सिंगल काउंट दिया है यहाँ पे, ओके। देन अभी हम क्या चाहते हैं कि जो अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ फिर से, रिफ्रेश किया था क्या मैंने, यहाँ पे देखो जो एक्वा कलर है
वो वहां पे आने के बाद वो स्टॉप हो जाए, ओके, यानी उसके लास्ट पोजिशन पे वो क्या हो जाए, होल्ड हो जाए, रुके, वहां पे रुकना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एनिमेशन फिल मोड एक प्रॉपर्टी है, ओके, एनिमेशन फिल हाइफन मोड, ओके, इसमें हम दे देंगे अभी। बट देखो उसके प्रीवियस पोजीशन पे तो वो आ ही रहा है, ओके, बट जो उसका लास्ट पोजीशन है उस पे वो रुक नहीं रहा है, तो वहां पे अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स, ओके, ये हम यहाँ पे देंगे वैल्यू, देन चेक करते हैं कि वो एक्वा कलर पे रुक रहा है क्या अभी। एक मिनट, रिफ्रेश, सेव नहीं किया क्या मैंने इसको, सेव सेव सेव, एक मिनट, कॉपी सेव, रुकना चाहिए, फिर से ग्रीन पे जा रहा है। सेव, देखो होल्ड हुआ क्या, उसके लास्ट रिजल्ट पे 100% पे वो अभी होल्ड हुआ है, ओके, यानी रुका है, उसका जो रिजल्ट है वो हमने क्या किया है, कैप किया है, ठीक है, कैप करके रखा है। तो ऐसे आप होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि कोई एनिमेशन होने के बाद वहीं पे लास्ट उसका एनिमेशन रहे तो वो अभी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ओके। उसके बाद हमने कल इन आउट देखा था क्या, वो भी आप यहाँ पे, टाइमिंग फंक्शन भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। तो कॉपी, यहाँ पे हम देंगे सपोज हाइफन टाइमिंग हाइफन फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे आप, जैसे हमने कल दिया था इज एन आउट, वो हम देंगे इज इन, सेव, देखो स्लो स्टार्ट हुआ देन फास्ट हो गया, ठीक है, देन अगर आपको आउट चाहिए तो आउट दे दो, सेव, देखो फास्ट स्टार्ट हुआ है, स्लो स्लो होगा, देखो सॉरी स्टॉप जो होगा मीन्स इसका एंड जो है वो स्लो होगा, ठीक है। अगर आपको दोनों को देना है कि इसका स्टार्टिंग जो है वो भी स्लो धीरे स्टार्ट हो और एंडिंग भी हो वो धीरे हो, तो हम यहाँ पे इन आउट दे देंगे, ठीक है। तो देखो इसको ऑब्जर्व कर लो, सेव 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 किया इसको, रिफ्रेश, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग उसका क्या हो रहा है, धीरे हो रहा है अभी, ओके। आप चाहो तो इसको भी डिले भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिले देखा था, तो यहाँ पे आप एनिमेशन हाइफन डिले, कोलन, कितना सेकंड्स, तो 3 सेकंड्स में दे देता हूँ यहाँ पे कि डिले हो, सेव किया मैंने इसको, अभी देखते हैं 3 सेकंड तक ये रुकेगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा, देखो हो गया, 3 सेकंड के बाद वो स्टार्ट हो गया, तो डिले भी हमने यहाँ पे लगा दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, जैसे कि अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओके, राइट साइड मूव हो रहा है, तो इसका ही रिवर्स डायरेक्शन आपको चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में आपको ये चाहिए, तो यहाँ पे आप एनिमेशन हाइफन डायरेक्शन आप ले सकते हो, डायरेक्शन आप ले सकते हो यहाँ पे, कोलन रिवर्स, सेव, और चेक करते हैं हम इसको भी, नहीं कुछ तो गलत दिखा है मैंने वहां पे, हाँ नहीं आ गया, ओके ओके। तो 3 सेकंड्स डिले दिया है ना हमने, तो 3 सेकंड्स वो वेट कर रहा है, उसके बाद वो रिवर्स डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ओके। अगर मैं ये डिले हटा दूंगा तो आपको डायरेक्टली क्विकली वो दिखेगा, 0 सेकंड, सेव, देखो जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, देखो कहाँ से आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है क्या, सर, ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्शन भी दे सकते हो रिवर्स में, ठीक है, 1 सेकंड, 1 सेकंड से वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 किया था, 0 ही रखता हूँ, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो,
देन यहाँ पे हमने कौन कौन से प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, कंटेनर का लिया था क्या आपने? हाँ सर तो इसका ले लो आप, क्या करना है आपको, हर बार एक नाम लेना है, उसको एक नाम देना है, उसी नाम से आपको की फ्रेम्स के आगे कोई उसी नाम को देना है। अगर मेरा दूसरा एनिमेशन है तो मैं फिर से की फ्रेम्स लूंगा, उसके आगे फिर से उसका नाम लिखूंगा और टू फ्रॉम दूंगा, ठीक है? लिया सर। लिया, ठीक है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें या ज्यादा हो जाएगा? हेलो, ले लो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नया फाइल में लेता हूँ, अभी इसी फाइल में नहीं लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं ड्यू लेता हूँ, ओके। इस ड्यू के अंदर हम लेंगे कंटेनर्स, ओके, क्लास कंटेनर लगेगा इसका, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं सीएसएस ग्रिड, ओके, ग्रिड लेआउट हम कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे अब। तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले देता हूँ, कंटेनर, ओके, देन ड्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ बॉक्सेस यानी एटम्स लेता हूँ यहाँ पे कुछ, ओके। तो ड्यू मैंने यहाँ पे लिया, ड्यू को क्लोज किया, इसको क्लास दे देता हूँ मैं, सपोज क्लास इज इक्वल टू एटम, और दिस इज एटम, ठीक है। तो ऐसे में कुछ और ले लेता हूँ कॉपी, और ऐसे में कुछ सपोज 10 बना लेता हूँ, तो पेस्ट, कॉपी, ठीक है। तो 10 हमने यहाँ पे ले लिए, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, देन एट, कोई नंबर मिसिंग है क्या? नाइन, और ये 10, ठीक है, ओके। तो 10 हमने यहाँ पे क्या लिए, आइटम्स ले लिए, सेव किया, इसको चेक करते हैं हम लोग, ओके। 10 के 10 आइटम हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर को दिखाएंगे, ओके। तो यहाँ पे कंटेनर में लिखूंगा, ओके। उससे पहले मैं डॉट आइटम ले लेता हूँ, जो मेरा क्लास है, उसके अंदर मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ सबसे पहले। तो बैकग्राउंड कलर सपोज रेड, और मार्जिन दे देता हूँ, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस उसमें उनमें दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन हम ले लेते हैं, मार्जिन कोलन सपोज 5 पिक्सल, सेव। देखो अभी यहाँ पे स्पेस हो रहा है, अभी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये तो हो सर। गया हमारा आइटम सबसे पहले तो, और अभी हम यहाँ पे लेंगे कंटेनर, डॉट कंटेनर, ठीक है। तो इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, अभी इसको ग्रिड में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ग्रिड सिस्टम में इसको डालेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या करने वाले, लेआउट इसको देने वाले, रोज और कॉलम्स में हम इनको अरेंज करने वाले, ओके। तो उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे हम। तो पहले इसको डिस्प्ले, डिस्प्ले ग्रिड कैसा हो, तो डिस्प्ले ग्रिड हो, ग्रिड्स
के अंदर ये दिखे। कन्वर्ट कर दिया हमने इसको कंटेनर एज अ ग्रिड, ओके। कंटेनर को क्या किया, एज अ ग्रिड हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, लेआउट बनाने के लिए। देन हमें क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, यानी इन सब को क्या करना चाहता हूँ, कॉलम्स के अंदर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉलम्स यहाँ पे बनाऊंगा, तो ग्रिड ग्रिड ओके हाइफन टेम्पलेट हाइफन कॉलम, ओके। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे आप कितने वैल्यू देना चाहते हो, यानी आप कितने कॉलम्स बनाना चाहते हो, उतनी आपको वैल्यूज देनी है, ओके। अगर आप दो चाहते हो तो दो बार वैल्यू दो, अगर आप तीन चाहते हो तो तीन बार दो। तो यहाँ पे अभी देखो मैं तीन बार देता हूँ, मुझे तीन कॉलम्स बनाने हैं। तो पहला कॉलम जो है मेरा वो 300 पिक्सल का रहे स्पेस, उसके बाद दो कॉलम्स में बनाऊंगा तो वो एक 150 पिक्सल का रहे, दूसरा भी 150 पिक्सल का रहे। चलो चेक करते कि ऐसे दिख रहा है क्या, वो देखो दिख रहा है क्या, कॉलम्स के अंदर ये डिवाइड हो गया क्या, मेरे जो ड्यूज थे, मेरे जो ये आइटम्स थे वो तीन कॉलम के अंदर डिवाइड हो गए क्या। पहला जो है वो 300 का है और दूसरा जो है वो 150 का है और तीसरा भी 150 का है। अगर आप ये ज़्यादा चाहिए तो इसको 250 बना देते हैं, ठीक है, इसको 250 कर देता हूँ, सेव, ठीक है। तो इसको हमने किसके अंदर कर लिया, कॉलम्स के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ओके, तीन कॉलम्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप कॉलम्स बना सकते हो, तीन अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, या फिर अगर आपको किसी कॉलम्स का विड्थ जो है वो आपको ऑटो चाहिए, ओके, इसको कॉपी करता हूं मैं, कॉपी किया मैंने इसको, पेस्ट। मेरा मिडल जो कॉलम है उसका जो विड्थ है वो ऑटो वो खुद से ले ले, ठीक है, ऑटो ले ले। तो आप ऑटो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ वैल्यू। देखो क्या हुआ, पहला कॉलम आपका 300 का है, ओके, लास्ट वाला कॉलम आपका 250 का है, और जितना बचा है उतना सेकंड में ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है कॉलम्स के लिए उसका विड्थ लिया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसे मुझे बहुत सारे कॉलम्स बनाने हैं तो उनकी मैं देता रहूंगा क्या यहाँ पे, सपोज मुझे 10 कॉलम बनाने हैं या फिर 20 बनाने हैं, तो हर एक का मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूँ क्या एक लाइन में, 10 बार लिखूँ, या फिर मुझे 6 कॉलम बनाने हैं तो 6 बार लिखूँ, होगा क्या, ओके। तो और सबका साइज सेम है सपोज, ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीट नाम का फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको कट करता हूँ, ओके। देन यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अभी वैल्यू ना पास करके, हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, रिपीट नाम का फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीट, और इसके अंदर हम दो वैल्यूज देंगे। पहला तो मुझे कॉलम्स कितने बनाने हैं, तो कॉलम्स मेरे जो 3 बनाने हैं, साइज कैसा हो, साइज उसका ऑटो आप खुद से ले लो, मैं नहीं देता, आप खुद से दे दो, डिपेंड ऑन मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन। लिया क्या उसने, देखो 3 कॉलम बनाओ और साइज ऑटो ले लो, ऑटोमेटिकली ले लो। तो दिख रहा है कि आपको तीनों कॉलम्स का जो विड्थ है वो सेम है, ठीक है। अगर आप 10 कॉलम भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो कि मुझे 10 कॉलम बनाना है, और यहाँ पे आप वैल्यू परसेंटेज में भी दे सकते हो कि हर एक की साइज कितनी हो, 10% हो, 10% हो, सेव रिफ्रेश। देखो दिख रहा है क्या, 10 के 10 एक ही लाइन में, यस सर,
तो ऐसे आप इसको दे सकते हो। इसके अंदर अगर आपको गैप दिखाना है तो गैप भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, मुझे सपोज गैप भी दिखाना है तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज ग्रिड गैप। ओके, ग्रिड हाइफन गैप कितना हो, 10 पिक्सल का गैप हो, सेव। ओके, देखो 10 पिक्सल का गैप से ये कैसे दिख रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको जो है मैं परसेंटेज की जगह यहाँ पे ऑटो दे देता हूँ और कॉलम्स को थोड़ा कम कर लेता हूँ, 3 कॉलम्स से। देखो अभी इनके वर्टिकल और हॉरिजेंटल गैप इसने मैनेज किया है 10 पिक्सल का, दिख रहा है क्या, दोनों तरफ से इसने क्या किया है, इस ग्रिड के अंदर गैप मेंटेन किया है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका ग्रिड। ओके, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट यहाँ पे, 10% दिए थे यहाँ पे, इसको कमेंट में रखता हूँ मैं। ठीक है, सेव। ठीक है, तो आप क्या करो, अभी सबसे पहले आप इस नीचे वाले एचटीएमएल का स्क्रीनशॉट लो, देन इस ग्रिड का लो, देन मैं इसमें चेंज करूंगा हूँ। जैसे हमने कॉलम्स देखे वैसे हम रोज भी देखेंगे। ठीक है, रो भी हम देखने वाले हैं। सर ठीक है, तो इसका लिया, ये ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट लिया। सर ठीक है, ओके, तो इसको कमेंट करता हूं मैं, यहाँ पे कमेंट है ना, ये फिर से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको कमेंट किया, देन हम फिर से क्या लिखेंगे, आइटम और कंटेनर हम फिर से बनाएंगे। ओके, ये फिर से हमारा ग्रिड में होगा, इसको कॉपी किया। ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा कॉलम्स के साथ, अभी हम देखते हैं रो के साथ। ओके, तो यहाँ पे आइटम मैंने लिया, मार्जिन लिया, देन इसका कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, सेव, ऐसे दिख रहा है, देख लेते पहले। ओके, और थोड़ा पैडिंग भी इंसर्ट दे देता हूँ इसके अंदर, थोड़ा पैडिंग भी रहेगा तो अच्छा रहेगा, पैडिंग 10 पिक्सल से। ठीक है, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, रो वाइज देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम्स देखे तो अभी हम देखेंगे रो, तो ग्रिड टेम्पलेट रो हम अभी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रो लेने वाले, तो रो भी सेम आपको, रो का भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा रोज। ओके, यहाँ पे भी सेम आपको यहाँ पे वैल्यू देनी, मुझे पहला चाहिए,
50 का चाहिए, ओके ओके 50 पिक्सल उसका हाइट हो, देन सेकंड जो है उसका भी 50 हाइट हो, और जो थर्ड वन है उसका 150 हाइट हो। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो देखो इसका हाइट चेंज होगा। ओके तो देखो पहले तीन को मैंने दिया है, खाली पहले तीन रोज को, यानी 1 2 3 इनको ही मैंने अप्लाई किया है, सेव नहीं किया करना, कहीं पे कुछ गलती, ये तो यहाँ पे कमेंट हुआ है। ओके यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे कमेंट, पिक्सल सेव। देखो दिख रहा है क्या, पहले तीन को ही अप्लाई हुआ है, ओके दिख रहा है, सर अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा दे, ओके इसको मैं दे देता हूँ सपोज 100, इसको दे देता हूँ मैं 100, और इसको दे देता हूँ मैं 200। अभी हम फिर से चेक करते, इसको सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी दिख रहा है प्रॉपर, क्योंकि तब क्या हो रहा है कि इसका और उसका साइज सेम दिख रहा था, ओके इसलिए मैंने इसका हाइट बढ़ाया, कि अभी देखो पहले तीन जो है, क्योंकि हमने तीन ही वहाँ पे अप्लाई किए थे, ओके तीन ही हमने वहाँ पे अप्लाई किए थे, वैल्यूज हमने तीन प्रोवाइड किए थे, इसलिए उसने पहले तीन रोज जो थे उनको ही हाइट अप्लाई किया है। ठीक है, सर। देन अगर आपको सबको एक जैसा आपको हाइट अगर देना है तो आप दे सकते हो, इसको कॉपी करता हूं मैं, देन मुझे चाहिए कि सबका हाइट जो है 80 पिक्सल हो, तो मैं खाली सिंगल वैल्यू यहाँ पे दूंगा, 80 पिक्सल सबका हो तो सिंगल वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, सेव, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, सबका होना चाहिए तो एक का ही हुआ है, ओके एक का ही दिया ना इसने रोज, यहाँ पे एक टेम्पलेट की जगह मुझे देना पड़ेगा, और फिर सेव रिफ्रेश, देखो सारी की सारी रो जो है मेरे 10 के 10 रो कैसे है अभी सेम साइज के है, सेम हाइट के है, ओके 80 पिक्सल मैंने सबको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्रिड ऑटो हाइफन रो, ओके ग्रिड हाइफन ऑटो हाइफन रोज, ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की कि सबका जो हाइट है वो सेम आपको दिखे। ठीक है, ओके तो उसके बाद अगर हमें क्या करना है, देन मैं इसको कुछ कन्वर्ट कर लेता हूँ, नहीं तो मैं इसको भी अनेबल करता हूँ, कि ये क्या करेगा, रिमेनिंग को 80 का हाइट दे देगा, फिर इनको मैं 50 50 कर देता हूँ, 50 50, ठीक है सेव किया, अभी देखो क्या चेंजेस होने वाला है, देखो दिख रहा है क्या चेंजेस, पहला 50 पिक्सल का है, ये भी 50 पिक्सल का हाइट है, ये आपका 150 250 क्या है, चलिए कितना क्या है 200, ठीक है 150 करता हूँ इसको, ओके तो ये आपका 150 का हाइट है, उसके बाद सबका रिमेनिंग जो थे 4 से लेकर 10 तक, ओके 4 से हमारे यहाँ तक 10 तक क्या है, सांप का साइज कैसा है 80 पिक्सल है, 80 पिक्सल उसका हाइट हमने दे दिया है, कि रिमेनिंग क्या है उसका 80, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके पहले अगर आपको सबको देना है तो इसको मैंने कमेंट कर लिया था, अगर आपको सबको देना है तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दो, अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर जो कॉलम्स रहे उनका ऐसा अलग सा रहे तो आप यहाँ पे वैल्यू दे दो, ओके जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन को सेट किया, ऊपर के तीन को सेट किया है, और नीचे 4 से 10 तक क्या क्या मैंने हमारे 4 से 10 तक हमने उसका साइज अलग कर दिया,
80 पिक्सल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कॉलम्स भी हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉलम्स में सपोज कि पहला जो कॉलम हो वो 300 पिक्सल का हो और जो दूसरा कॉलम हो वो 800 पिक्सल का हो, ठीक है। और इसके अंदर ग्रिड के अंदर गैप भी होना चाहिए। ग्रिड पहले देख लेते हैं ये कैसे दिख रहा है। सेव, रिफ्रेश, देखो दिख रहा है कैसे ही दिख रहा है अभी, दो कॉलम्स के अंदर ये 300 और ये 800, 800 का विड्थ, उसको कॉलम्स पे भी हमने बना दिया, और इसका जो गैप है वो भी होना चाहिए। तो ग्रिड हाइफन गैप कॉलम सपोज 10 पिक्सल का गैप है। सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो 10 पिक्सल का गैप बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप लेआउट जो है वो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले और हम कुछ देखते हैं, तो यहाँ पे और हम देखेंगे सपोज इतना हो गया हमारा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो सबसे पहले तो। ये ले लो इतना, वो भी हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं स्पैन, जैसे हमने स्पैनिंग देखा था क्या, स्पैन हम देखते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ स्क्रीनशॉट लेके। यस ठीक है, तो इसी के साथ मैं अभी कुछ कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ और हम कुछ देखते हैं इसके साथ। तो आइटम कोलन, अभी यहाँ पे मैं करूंगा सुडो क्लास का इस्तेमाल, एंड हाइफन चाइल्ड, इसको हमने कहाँ पे देखा था, और टेबल के अंदर। टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया वन, ओके, यानी मैं फर्स्ट को मैं देना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रीड, ग्रीड हाइफन कॉलम, ओके हाइफन स्टार्ट, ओके स्टार्टिंग कॉलम नंबर में दूंगा, कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, तो फर्स्ट कॉलम से मुझे स्टार्ट करना है, ओके फर्स्ट से स्टार्ट करना है, और एंड कहाँ पे करना है उसका भी मुझे देना पड़ेगा। जैसे मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एंडिंग मुझे कहाँ पे करना है, तो एंडिंग मैं चाहता हूँ कि 3 पे हो, थर्ड पे हो, तो एंड, और यहाँ पे मिलूंगा थर्ड, 3 वैल्यू 3, ओके देन सेव करता हूं मैं, और इसको हम चेक करते हैं। दो कॉलम है ना, ओके। तो यहां पे देखो क्या हुआ है, स्पैनिंग समझ में आ रहा है क्या, जैसे हमने रोल स्पैन कॉल स्पैन किया था टेबल में एचटीएमएल में, याद आ रहा है क्या। हाँ, तो ऐसा स्पैनिंग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्पैनिंग यूज कर रहा हूँ, ओके। इसका वीड जो था मैंने तीसरे जो कॉलम है वहां तक मैंने उसको स्पैन किया है, ओके। मैंने मर्ज कितना हुआ, पहला और दूसरा कॉलम, दो कॉलम मर्ज हुए, ओके। तो तीसरे तक मैंने उसको क्या किया, मर्ज किया। तो वैसे ही ये तो हो गया कॉलम का, देन अगर आप रो का भी देना चाहते हो तो रो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो
इसका जो जैसे हमने यहाँ पे दिया था स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम तीन से पहले, तो एंड हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे हम देंगे ग्रिड और हम देंगे रो रो। तो रो कौन से स्टार्ट हो आपका, तो स्टार्ट हो आपका तीन फर्स्ट से ही स्टार्ट हो, ओके पहले से ही आपका स्टार्ट हो, देन ग्रिड हाइफन रो हाइफन एंड, ओके। और यहाँ पे वो एंड हो तीसरे पे, ओके तीसरे रो पे वो क्या हो, तीसरी रोज के पास वो एंड हो जाए। देखो अभी हम चेक करते हैं, देखो ये आपका तीसरा रो था ना, यहाँ पे दूसरा था, तो दोनों मर्ज हुए क्या यहाँ पे, उतना उसने स्पेस लिया है क्या, दो हाँ कॉलम्स का स्पेस उसने लिया है, दो कॉलम्स और दो रो, अभी उतना उसने क्या किया, स्पैनिंग किया है यहाँ पे, दो रो और दो कॉलम्स का, ठीक है ओके। तो इसी को अभी यहाँ पे देखो हमने बार बार लिखे, तो इसी को आप सिंपल लिख सकते हो, मैं इसको कमेंट करता हूँ, आप स्टार्टिंग और एंडिंग को आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, ओके खाली दो बार आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड हाइफन कॉलम कोलन, एक से स्टार्ट हो, देन यहाँ पे स्लैश हमें देना पड़ेगा, देन स्पैन लिखना पड़ेगा कहाँ तक, तो तीसरे तक, ओके। यह हो गया हमारा पहला वाला, यानी इसके लिए, ओके सिंगल लाइन में हमने इसको लिख दिया। तो वैसे ही हम रो के लिए लिखेंगे, कॉपी इसको सेव किया, अभी चेक करते हैं हम क्या चेंजेस हुआ। तो देखो तीन रो हो गए यहाँ पे, कॉलम्स तीन कैसे हो गए, तीन कॉलम हो, हाँ स्पैनिंग इन थ्री कॉलम्स, ठीक है तीसरे कॉलम भी ले रहा है इसके अंदर ग्रिड। तो यहाँ पे हम देंगे रो, ठीक है इसको भी बंद दे दिया, स्पैन टू दूसरे रो को ही ये ले, ठीक है सेव, ठीक है। देखो यहाँ पे तीन कॉलम और दो रो को हमने क्या कर दिया, स्पैन कर दिया, तीन कॉलम स्पैन किया है हमने, लिखा है यहाँ पे स्पैन कितना करना है, तीसरी कॉलम तक, ओके। यहाँ पे हमने कॉलम भी इसके अंदर लिया है, यहाँ पे हमारा कॉलम तीसरे पे एंड हो रहा था, अप टू थ्री था यहाँ पे, अप टू थर्ड कॉलम, ओके अप टू का कब तक था, थर्ड कॉलम तक था, यहाँ पे भी अप टू था, बट यहाँ पे क्या कर रहा है वो इंक्लूड लिख कर रहा है उसको, ओके कहाँ तक, तीसरे कॉलम तक। तो अगर आप चाहते हो दो तो यहाँ पे दो आप दे दो, पास कर दो, ठीक है सेव, इसको हटाना पड़ेगा मुझे सेव। तो देखो ले रहा है क्या अभी दो ही कॉलम, सर। तो एक लाइन में आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो इसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, सर लिया क्या इसका स्क्रीनशॉट, सर ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लेआउट बनाते हैं, यहाँ पे पेंट, ओके। तो अभी इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक हेडर दिखाएंगे, ओके यहाँ पे हम एक सपोज एक सब मेनू बार के लिए यहाँ पे मैं इतना एक कुछ तो ड्यू लूंगा, ओके चार ड्यू लेने वाला हूँ और उनको ऐसे एडजस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मेरा सेक्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बॉडी का सेक्शन यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है साइड में बॉडी, ये मेरा हेडर हो गया।
और उसके बाद यहाँ पे मैं फुटर दिखाऊंगा, ठीक है, यानी पेज का लेआउट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, अभी डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा अभी हमें डिजाइन करना है। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका हेडर, यहाँ पे हम लेंगे हेडर का ड्यू। ओके, यहाँ पे आपका सपोज साइड मेनू। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका बॉडी, और यहाँ पे हम लेंगे फुटर। ठीक है, तो ऐसा लेआउट अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा लेआउट हम बनाते हैं, चाहे तो ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट किया है मैंने, इसको यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ मैं, ठीक है, और करता हूँ यहाँ तक कमेंट। और ये कमेंट है, यहाँ से मुझे कमेंट करना पड़ेगा इसको, कमेंट यहाँ तक, ठीक है। तो इसको कमेंट कर दिया मैंने। सर, ये लेआउट वाला पार्ट सर कल देखते हैं प्लीज। अभी इतना ही बाकी है, फिर आपका सीएसएस में ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा था, मैं इसीलिए पूछा था कि अगला टॉपिक बताओ या नहीं। पाँच 10 मिनट लगेंगे खाली, ठीक है। हाँ, ओके। तो देखो, तो यहाँ तक मैंने उसको कमेंट किया। ओके, उसके बाद ये वाला अलग सेक्शन है, कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे ये भी एक अलग है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इतना नहीं, खाली 4 ही ड्यू मुझे लगेंगे, एक हेडर के लिए, एक फुटर के लिए, एक बॉडी के लिए, एक साइड मेनू के लिए, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, उसको भी कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट को एंड कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हम दे लेते हैं यहाँ पे कंटेनर ड्यू, और इस ड्यू के अंदर मैं यहाँ पे इसको एंड कर देता हूँ, ड्यू एंड, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे सपोज ये फर्स्ट है मेरा हेडर, ओके, सेकंड वन है मेरा साइड मेनू, ओके, थर्ड है मेरा एक्चुअल बॉडी, ओके, और यहाँ पे मेरा रहेगा फुटर, ठीक है। सेव के इसको, अभी इसको हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला लिया है, अभी ये तो कमेंट है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया, यस सर। ठीक है। तो कंटेनर में पहले लूंगा सबसे पहले, तो यहाँ पे ओके कंटेनर, और उसके बाद हमें लगने वाला है एटम, ओके। तो कंटेनर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्टाइल हम दे देंगे, डिस्प्ले ग्रीड करेंगे उसको फिर से, जैसे हमने ऊपर किया था, डिस्प्ले ग्रिड, ओके कॉमा, देन यहाँ पे मुझे रोज बनानी है, तो कितना बनाना है रोज मुझे, देखो पहला हेडर, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये, 3 रो मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं 3 यहाँ पे लेता हूँ, मैं टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट रो इसको दिया मैंने, और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पहला कितना हो, तो 100 पिक्सल का हेडर हो, ओके। देन हाइट जो हो, हाइट वो आपका 8 हो, देन तीसरा जो है आपका 100 पिक्सल है फिर से, ठीक है। सेव, चेक करते हैं उसको,
बॉडी साइड में यहाँ पे, ठीक है। और कॉलम्स भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम्स लिए थे ऊपर, तो ऑलमोस्ट दो ही कॉलम्स मुझे लेने हैं। देखो अभी मैं इसको परसेंटेज में दूंगा, ओके। क्योंकि मुझे क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को खाली 20% दिखाना है मुझे, ओके, और जो रिमेनिंग है उसको 80%। ये आपके ऊपर है आपको कितना दिखाना है। आप यहाँ पे 25 ले लीजिए, यहाँ पे 75 ले लीजिए, आपके ऊपर, ठीक है। सेव, और इसको हम चेक करते हैं कैसे दिख रहा है। ओके, तो ये 20 और ये आपका 5। अभी यहाँ पे हमें स्पैनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पैनिंग के लिए पहले आइटम को भी मैं कुछ स्टाइल दे देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड हम ले लेते हैं फिलहाल। बैकग्राउंड कोलन हैश F9, ओके। देन यहाँ पे हम ले लेते हैं पैडिंग, उसके अंदर थोड़ा सा जो टेक्स्ट है हमारा उसके लिए हम पैडिंग ले रहे हैं। सेव, चेक करते हैं, ओके, पैडिंग भी उसको लग गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्पैनिंग के लिए अभी हम nth चाइल्ड यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हमें स्पैनिंग किसको करनी है, फर्स्ट कॉलम को। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम जो है आपका, सॉरी फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो यानी फर्स्ट आपका कॉलम और आपका लास्ट कॉलम, ओके, यानी फोर्थ कॉलम का इसको लेना है। तो चाइल्ड को, आइटम चाइल्ड को फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए हमें अप्लाई करना है। कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पेस्ट किया फर्स्ट के लिए, ओके। तो फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे दूंगा सपोज इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो है वो लिखे HAAFF, ठीक है। कुछ तो कलर मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीट ग्रीट हाइफन कॉलम कॉलम 1/span 2, ओके, दो कॉलम तक, ओके। सेम मैं इस्तेमाल करूंगा चार चौथे जो हमारा जो डिव है इसके लिए। हमने nth नंबर मीन्स इसके लिए इस्तेमाल किया फर्स्ट चाइल्ड, आइटम का फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड मीन्स फोर्थ चाइल्ड, ओके, फर्स्ट और फोर्थ इनके लिए हमने अप्लाई किया, ओके। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ अलग कलर, यहाँ पे दे देता हूँ FAE, सेव, ओके। अभी हम इसको चेक करते हैं, इसको मुझे हाइट आउट ऑफ की जगह मुझे हाइट कुछ से भी हाइट आ गई हमारी, सो सब सेव। देखो दिख रहा है क्या, अभी उसी फॉर्म में ये आपका पूरा का पूरा डिव है, अलग हेडर वाला, साइड वाला आप देख सकते हो यहाँ पे ये अलग है, ओके, और बॉडी वाला अलग है, क्लियर है। अगर आप चाहो तो इसको बॉर्डर देके चेक कर लो, बॉर्डर सॉरी ब्लैक कलर सर। सर स्पेलिंग गलत हो गया है, कहाँ सॉरी। पे, सॉलिड, और कहीं पे अच्छी गलती है क्या, है ना। देखो अभी देखो ये 20% में क्या आ रहा है, मेरा साइड में नहीं आ रहा है, और बॉडी यहाँ पे, ये मेरा हेडर और ये मेरा फुटर दिख रहा है अभी, ओके। तो यस ऐसे आप लेआउट बना सकते हो, आपको जैसे चाहिए ऐसे आप स्पैनिंग करके उसका लेआउट बना सकते हो। स्पैनिंग में आप क्या कर रहे हैं, खाली आपको क्या करना है, किस चाइल्ड को आपको स्पैनिंग देनी है। जैसे कि मेरे पास चार ड्यू थे, ओके,
चार मेरे पास ये ड्यू थे, तो इन चारों में से इस एटम जो क्लास है इन चारों ड्यू को अप्लाई है, तो ओके, तो ये पहला चाइल्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो हमने क्या किया, पहले को और चौथे को खाली स्पैनिंग अप्लाई की है, कॉलम्स मर्ज किए उसके, ठीक है, उनको ही हमने प्रोवाइड किया है खाली स्पैनिंग। बाकी आपका हमने यहाँ पे देखो 3 रो बनाए थे और 2 कॉलम्स बनाए थे, उसके अंदर ही हम उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हो गया आपका ये डिजाइन, लेआउट डिजाइन। खाली हाइट और विथ आपको एडजस्ट करने के लिए, उसको मैंने पिक्सल में दिए हैं, आप परसेंटेज में दे दो। सर वो दोनों सब कॉलम में पैडिंग दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हो। हाँ अभी यहाँ पे कैसे है ना, इस कॉलम्स में, इस ड्यू में, अभी यहाँ पे आपका अलग अलग डेटा, यहाँ पे आप नेविगेशन बार डाल सकते हो, यहाँ पे आप हॉरिजेंटल, हमने हॉरिजेंटल यहाँ पे डाल सकते हो, वर्टिकल अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे आपको पेज कंटेंट्स रहेंगे, आई फ्रेम हमने देखा था क्या, हाँ, यस सर तो आई फ्रेम भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई पेज आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ओके, यहाँ पे आप, आपका फुटर्स रहेगा, ठीक है, ऐसे आप डिजाइन कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लिया क्या? ठीक यस सर है चलो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीएसएस खत्म होता है, कल हम आगे का बूस्टअप देखेंगे कल हम, ठीक है, कल से लिया, स्क्रीनशॉट, यस सर ठीक यस है डन चलो, सर ये तो भेज दोनों देता हूँ मैं फाइल आपको अलग अलग व्हाट्सएप पे, सर फाइल क्या? दोनों अलग अलग हाँ भेज दोनों दीजिए। अलग अलग भेजता हूँ, हाँ ओके चलो।